अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों आज एक फिर न्यू वीडियो के साथ आया हूँ मैं। दोस्तों वीडियो एंड तक देखना, बहुत इमोशनल वीडियो है। सुल्तान भाई के हाथ का पाला हुआ बकरा है और बच्चा है इनके घर में, इसका जन्म हुआ था। इसके माँ से भी आपको हम मिलाएंगे, पूरी फैमिली इस बकरे की बताएंगे आपको। दूसरी बात दोस्तों, एक मतलब दिली तौर से जो चाहत होती है बकरों में, दिली तौर से जो मोहब्बत होती है, वो बकरा सुल्तान भाई देने वाले हैं। तो वीडियो दोस्तों अंत तक देखना। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में बहुत सी चीज़ सीखने को मिलेगी कुर्बानी के पर्पज़ से, कि किस तरीके से कुर्बानी की जाती है, किस तरीके से बकरों को पाला जाता है, एक आपको इधर पे सीखने को मिलेगा। तो आइए सुल्तान भाई से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुल्तान भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई और सभी देखने वालों को मेरा सलाम। सुल्तान भाई खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। सुल्तान भाई पहले ये लोकेशन बताओ। ये लोकेशन है दहीसर गाँव, गैलेक्सी कंपाउंड, गली नंबर 18। ये दहीसर गाँव कौन सा? ये वाला सिलपाटा वाले रोड पे, वो दहीसर नहीं, बोरोवली वाला नहीं। तो बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें, क्या भाई वो दहीसर है कि ये दहीसर है, ये एक बात हो गई। अच्छा सुल्तान भाई, ये जो बकरा आप अभी बेचने निकाले, सबसे पहला इसका मेरे को वजन बताओ। इसका वजन फिलहाल इस टाइम पे भाई ये ना 95 पे हो सकता है, 100 किलो तो पक्का पकड़ के चलो जी। दोस्तों देखो ये देखो ये चर्बी देखो ये देखो ये माशाल्लाह एकदम प्यारा है। ये मेरे हिसाब से ना मैं आपको बाहर का कुछ नहीं खाया इसमें। अच्छा सब घर का है? बिल्कुल बच्चों। सुल्तान भाई ये 105 किलो के करीब में होएगा मेरे को ऐसा लगता है, वजन करके दोस्तों देख लो अल्हम्दुलिल्लाह। और पहली बात तो मैं बोल रहा हूँ, लेना नहीं लेना दोस्तों अलग बात है, नजरे बस से बचाए और कमेंट्स में माशाल्लाह जरूर लिखना, क्योंकि इनके बहुत बचपन से इनके घर में जन्म हुआ। इसकी हिस्ट्री कुछ बताओ सुल्तान भाई पहला। हिस्ट्री क्या? अभी 3 मार्च को 2 साल का हुआ ये 3 मार्च को। तो ये घर से बाहर इसको हम लोग ने कभी कोई चीज खाने के लिए नहीं छोड़े, जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह। देखो इसका रात का बिस्तर अलग है, दिन का अलग है। सोता अच्छा। मेरे साथ है हम लोग के बिस्तर पे, रात में एक बार पेशाब कर लेगा ना तो रात भर नहीं करेगा, रात भर घर में नहीं करेगा, सुबह उठ के करेगा। देखो ना इनका बिस्तर देखो अभी बिछा हुआ। अच्छा इनका दोस्तों दिखा देता हूँ बिस्तर, एक मिनट इनका ये देखो, ये इनका ग्रीन शेड जो इनका बिस्तर है, और इधर पे और भी कुछ इनके पाले हुए है। सुबह का नाश्ता जो है इसका, फीड के बाद में बिस्किट चूड़ा जो हम लोग खाते हैं ना, वो सब चीज इनको चाहिए। अच्छा पूरा घर के खाने पे बकरा पला है ना, बाहर का आइटम मतलब कुछ नहीं है सर, मतलब बाहर गरम गरम रोटी चाहिए, गरम गरम रोटी चाहिए। खाने में मतलब दिन भर में क्या खिलाते आप इसको? दिन भर में अपना मक्का है, जौ है और हरी पत्ती है, शाम के टाइम में तुम्हारा तुवर भूसा है, और एक दिन तुवर भूसा देता हूँ, एक दिन वो देता हूँ गवार भूसा। अच्छा मगर रात में रोटी इन लोगों को चाहिए, रात में रोटी चाहिए। हाँ। तो इन लोगों को चलेगा नहीं। अब बहुत से लोग ये बोलते ना भाई, हाँ। कि रोटी के बाद पानी मत दो, रात ढलने के बाद में पानी मत दो, सब गलत है। हाँ। जैसा तुम बच्चे को शुरुआत से रखोगे ना ऐसा रहता है। सही बात, थोड़ा चला के बताओ सुल्तान भाई। दोस्तों बकरा देखो, मैं समझता हूँ आपने YouTube पे बड़े बड़े YouTube चैनल पे आपने देखा होगा 110 105 किलो का बकरा, वो लोगों का भी आपने रेट सुना होगा, कोई लाख रुपया बोलता है, कोई 1.25 लाख बोलता है, बोलने वाले तो दोस्तों कुछ ही बोलते हैं। पर मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, ये बकरा लाख भी नहीं है, 1.25 लाख भी नहीं है, आपके एकदम बजट में और आपके एकदम भाव की कुर्बानी में मिलने वाला बकरा ये। पहली बार सुल्तान भाई को बेचना नहीं था ये, लेकिन दे रहे क्योंकि इनके घर में और 3 बच्चे हैं अभी, जो अभी बड़े होंगे और तैयार करके वो फिर आने वाले 2025 में उसको देखा जाएगा। ये देख लीजिए, तो चला के दिखा दो दोस्तों, और खस्सी बकरा है पूरा, फुल खस्सी बकरा एकदम गरम बहुत है भाई, बहुत गुस्से में रहता है हमेशा। दोस्तों इसकी चर्बी देखो एकदम माशाल्लाह, नहीं नहीं एक नंबर चीज है भाई, कोई मारने का अंदाज भी देखो। हाँ खेलते रहेगा उस तरफ लेके जाओ, उस तरफ तुम्हारे साथ खेलता है ना वो, पहचानते है ना तुम्हारे को। दोस्तों बहुत प्यारी चीज, अरे बाबा दिया, हाँ बस 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 सर खोल देगा तुम्हारा, नारियल पानी खुल जाएगा तुम्हारा माशाल्लाह। दोस्तों देख लो चीज बहुत अच्छी है, मैं तो 100 किलो तक बोलता हूँ, लेकिन फिर भी आप वजन कर लेना दोस्तों, क्योंकि आप 5 किलो ज्यादा हो सकता है या 5 किलो कम हो सकता है, लेकिन चीज है माशाल्लाह। देखो इसकी चर्बी जो आप देख रहे हो ना, चमड़ी इसकी देख लो दोस्तों, किस तरीके से झूला झूल रही है, ये आपको इससे बकरों का अंदाजा हो जाएगा। मालूम है सारे फ्रूट हमने अच्छा। कभी इसको छिलका नहीं खिलाया, सेब है इसके नाम का, केला है, रोज के 2 किले अभी गर्मी में इसको कभी छिलका नहीं, खरबूजा है, कलिंगड़ है, हर फ्रूट माशाल्लाह लोगों को मालूम। अच्छा तो मंगता ना अभी फॉर एग्जाम्पल कोई चीज लेके आओ, खाली नाम ले लो कि केला लाया हो, तुम्हारे पीछे पहुंच जाएगा वहाँ, तो उन लोगों को मालूम है कि किचन में सब चीज रहती है। अच्छा
तुरंत पहुंच जाएगा, मांगेगा नहीं। और दोस्तों हाइट भी बहुत ऊंची है, फ्रेम भी लंबी है, हाइट भी ऊंची है, आप देख सकते हो फ्रेम हाइट सब ऊंची है बकरा। मैं आपको ऊपर की इनकी पेटी भी दिखा दूं, बहुत बड़ी पेटी का बकरा माशाल्लाह। फ्रेम भी अच्छी है, बनावट भी अच्छी है। 2 साल बकरे को हो चुका है। कितने दांत की अभी है? 4 दांत का है। देखो बताओ, दांत भी दिखाएगा नहीं, जल्दी ठीक दोस्तों। सुल्तान भाई, मैं आपको काफी टाइम से जानता हूँ और आप अक्सर बकरे पालते शौक के लिए बेचते नहीं, ये बकरे बेचने का रीजन क्या है? दिल तो नहीं चाह रहा मगर क्या करूँ, देखो ना जगह का प्रॉब्लम होता है, आगे बहुत शॉर्टेज, बारिश आने वाली, जगह का भी शॉर्ट है ना। तुम्हारा दिल गवारा करेगा अगर ये बिक गया और इसको देने के टाइम पे फिर क्या हाल होगा? देख नहीं सकूंगा भाई। हाँ, मेरे सामने को इसको ले जा सकेगा, मैं वो देख नहीं सकूंगा। फिर सौदा कैसा करोगे तुम? यहाँ सौदा कर लूंगा और मैं हट जाऊंगा फिर। अच्छा, क्योंकि वो टाइम नहीं देख सकता फिर, वो टाइम नहीं देख सकते। सही है दोस्तों, देख लो, ये एक बहुत इमोशनल कार्ड है समझो, क्योंकि सुल्तान भाई ने इसको, मुझे याद है मैं काफी टाइम से इनको जानता हूँ, इसका बकरे का जन्म भी, हाँ इसकी माँ को भी दिखा दूँ। और ये हरी भाई की माशाल्लाह हाथ से लिया था, ये इसकी माँ है दोस्तों। बेचारी एक आंख से बचपन से कानी है, लेकिन इसने दो बार बच्चे दिए इसने दोस्तों, इसने 2 बार बच्चे दिए। और इसको जब बकरा लगा था ना माशाल्लाह, ये बकरा इसका जो डैडी था बहुत प्यारा था। उसको चर्बी देखो, ये मेरे को मत मारना, मेरे को भी मारता है ये, मतलब खेलता है ये, खेलता है। देखो घर में आया था, मेरे को बाहर भगा रहा है, बोले बाहर जाओ भाई बाहर जाओ, कौन आ गया घर के अंदर। तो दोस्तों ये घर की पाली हुई चीज़ का ना ये खासियत होता है, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो एक बूंद इनको लगने देते नहीं भाई। अच्छा, बिल्कुल नहीं। नहीं सुल्तान भाई, बहुत अच्छी चीज़ है माशाल्लाह, मज़ा आ गया। तुम्हारे बकरे को मैं देखा, मेरा दिल खुश हो गया। सबसे पहली बात, अल्लाह पाक इसको नेत्र बस से बचा दोस्तों, क्योंकि घर का पाला हुआ एक बकरा है ये, और बड़ी मिन्नतों के बाद ये बेचने के लिए निकाले। सुल्तान भाई बेचते नहीं जानवरों को, ये एक बहुत वो है, जिसको भी चाहिए तो वो कांटेक्ट करें। ए हे हे, क्या बात है, ये देख लो, बहुत प्यारी चीज है। सब घर का ही खाता खाने के लिए। घास पत्ते लेके आता भाई, पत्ते लेके आते थे। देखो सामने बड़े का है, यहाँ बड़े का है, मवे का पत्ता है, और अल्लाह ने की वो गुलमोहर का पत्ता। अच्छा, तुम बोलोगे घास जंगली चीज, वो भी नहीं लगाएगा क्योंकि लोग कभी चराया ही नहीं ना मैंने। अच्छा, और बरसात के पूरा 2-3 महीने ना लोग बाहर नहीं निकलेंगे, नहीं निकलेंगे ये यहाँ से। सही है दोस्तों, बरसात गिरी ना अंदर। बराबर दोस्तों, देख लीजिए बकरे बहुत माशाल्लाह, एक खूर वीर सब एकदम कटिंग वटिंग बराबर है। अभी तो कटा था, बहुत प्यारी चीज़ है दोस्तों। सबसे अच्छी बात दोस्तों भाव में, हाँ ये एक बात बोल रहा है भाव में, मैं भाव आपको लास्ट में इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग को मालूम पड़े। और देखो ये भी सुल्तान मैंने पाले हैं, सर की मुर्गी कहते हैं जिसे। देखो ये इनका पाला हुआ है, और भी कुछ एक दो जानवर और पाले पीछे की तरफ है। दिखाओ दिखाओ दिखाओ, ये देखो दोस्तों, ये फाइटर बच्चा मैंने सुल्तान में को दिया था, 1 दिन का था जब इनको दिया था, अभी इन्होंने पाल के माशाल्लाह 1 महीने का हो गया। और ये भी सुल्तान भाई के पीछे पीछे घूमता है क्या? ये एक बहुत अच्छी बात है, इस जितने भी जानवर है ना सुल्तान में पालते ना, सब इनके दीवाने हो जाते हैं। सही है, एक नंबर चीज है। अल्लाह रखा, उसका अल्लाह रखा नाम रखे दोस्तों। सुल्तान भाई, मैं अगर रेट की बात करूँ इसकी, तो क्या रेट आप इसका कोट करोगे? रेट भाई देखो, अभी लोग जो अनशन रेट बोलते हैं वैसा मेरा हिसाब नहीं है। अच्छा, लोग बोलने को बोलते हैं 1,80,000-90,000, ऐसा नहीं है, मैं उससे आधा रेट रखूंगा। मतलब कम से कम मेरे हिसाब से ना भाई 50-55 तक जाना चाहिए। तुम्हारे हिसाब से ना, सही है। 100 किलो के ऊपर नहीं, 100 किलो के ऊपर तो मैं खुद बता रहा हूँ, 100 किलो के ऊपर का पाला हुआ भाई, और घर का पाला हुआ है, ये कोई जंगल में पाला हुआ नहीं है। जो भी खाया घर का खाया, उससे ज्यादा तो इसने खा चुका है, जोड़ेंगे तो नहीं। वो तो अल्लाह ने खिलाया, मेरी कोई औकात नहीं। बहुत भारी है, इमोशनल था। सही बात है, अपनी कोई औकात नहीं है, अपनी कोई औकात। बाकी मुकानी वाला खिलाया हम लोगों ने इसको, मुकानी वाला खिलाया। इसके बचपन की भी वीडियो है, मेरी औरत के साथ में दाल चावल खाते। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं सही बात है दोस्तों, देख लो दोस्तों, बहुत प्यारी चीज है। 50-55 हज़ार रुपया बोल रहे हैं, ठीक है। अगर जिस भाई को भी चाहिएगा तो कांटेक्ट करो। और बहुत घर का पाला हुआ है, कोई भी इसने ऐसी कोई चीज़ नहीं खाया जिसके वजह से आपको मतलब वो रहे भाई जंगल का पाला हुआ नहीं, अपने घर का, घर में इसका जन्म हुआ, वो घर के भी इसका वीडियो है आप इनके पास। इसका एक बार बर्थडे बनाए थे, वो भी वीडियो है इनके पास में, वो भी आपको दिखा देंगे माशाल्लाह।
चीज देख लीजिए, बहुत प्यारी चीज है। सुल्तान में मोबाइल नंबर दे दो एक बार, कोई कांटेक्ट करे, जो चालू नंबर है वो देना बकरे के लिए। 9819751378। अच्छा, ये नंबर है, व्हाट्सएप कांटेक्ट दोनों चलता है। और अपना लोकेशन एक बार फिर बता दो। लोकेशन हमारा ये है दहिसर गांव, गैलेक्सी कंपाउंड, गली नंबर 18। ये जो सिलफाटा और तलोजा के बीच में आता है वो वाला दहिसर, सिलफाटा तलोजा के बीच में जो दहिसर गांव होता है वो, पहला दहिसर मोरी उसके बाद दहिसर गांव। गांव सही बात है, दहिसर गांव, गांव देवी मंदिर के आगे, गांव देवी मंदिर के आगे ना, देवी मंदिर के आगे। हाँ, बॉम्बे में आता है, बॉम्बे में ही, बॉम्बे में। ये ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी का फैसिलिटी है क्या? नहीं ना, मुंबई वाले लोग के लिए फैसिलिटी खाली। आओ पसंद करो और लेके जाओ, टेंशन नहीं मांगता ना डिलीवरी वाला कोई साहब। सही बात है। ठीक है दोस्तों, देखो आपको आज वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब भी कर दे करो। और जानवर अच्छा है, एक नंबर जानवर है, मैंने अपनी आंखों से देखा हूँ, अच्छी चीज है। 100 किलो के ऊपर होगा लगभग, ठीक है। इसकी सब जगह से चर्बी देखो इसकी लग रही है, वो लटक रही है, और शाइनिंग भी बकरा मार रहा है माशाल्लाह, और घर का पला हुआ बकरा, ये सबसे अच्छी बात। ठीक है दोस्तों, सुबह अल्लाह हाफिज़। और जिस भाई को भी मेरे चैनल पे अगर अपने बकरों का वीडियो डलवाना है तो मुझसे कॉन्टैक्ट करें दोस्तों, हम बकरों का वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट डालते हैं, इसका कोई पैसा वगैरह नहीं लेते। अगर आपको बनाना तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।